अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। हेलो। तो जी, तैयारियाँ शैरियाँ हो चुकी हैं, मेहमानों के आने का इंतज़ार हो रहा है, तो ये हमने सारे मैनेज करके रख ली हैं चीज़ें। पहले आते साथ उनको क्या सर्व करना है वो चीज़ें हम जो है वो पहले से मैनेज करके रख रहे हैं। तो इधर कपड़े वगैरह सब ने पहन लिए हैं, ये देखें बच्चे भी रेडी हो चुके हैं और मैंने भी ड्रेस पहन लिया है ये वाला। तो ये इर्जा जो है ये अपने बाल नहीं बनवा रही, ये देखें इसके बाल वैसे के वैसे ही हैं, गंजा कर दो। कपड़े वगैरह इसने पहन लिए हैं। तो ये अदन भी रेडी हो चुकी है, ये देखें ये अदन भी रेडी हो चुकी है। तो अब बस मेहमानों का वेट हो रहा है और साथ में खाने की तैयारियां हो रही हैं। तो जैसे ही मेहमान आते हैं तो फिर आपसे मिलेंगे। तो जी, इधर मेहमानों वगैरह को हमने मिल लिया था, रिसीव कर लिया था, वेलकम किया था उनका। तो वेलकम करते हुए बच्चे जो है वो हिचकिचा गए थे, कुछ वीडियो वगैरह नहीं बनाया था। तो ये इधर सबसे पहले अब वो बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले मैं उनके लिए चाय लेके जा रही हूँ, चाय और स्नैक्स वगैरह उनको जो है वो उनके लिए लेके गए थे, ताकि आते साथ उनकी थकावट वगैरह कुछ उतरे। तो ये देखें, ये मैं उन्हें चाय रिसीव जो है ना चाय उधर लगा रहे हैं टेबल पे, सारे बैठे हुए हैं मेहमान। तो बड़ी खुशी हुई मेहमानों को देख के, हमारे सारे बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे, क्योंकि मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं और फिर काफ़ी दूर से आए थे, हम भी इनके पास जाते रहते हैं, तो कश्मीर से आए थे कसूर देखने के लिए, तो इनको भी काफ़ी मज़ा आया। तो ये देखें, हम बड़े अच्छे से इनको जो है वो मेहमान नवाजी इनकी कर रहे थे। तो इर्जा जो है ये अपनी मस्तियों में लगी हुई थी। तो जी, चाय वगैरह पीने के बाद मेहमान जो है वो अपन ऊपर छत पे चले गए, क्योंकि पहाड़ी इलाके से आए हुए थे तो काफ़ी घुटन सी फील हो रही थी इनको, बंद घरों में रहने के आदि नहीं हैं ये, ज़्यादा खुले खुले इलाके के आदि हैं। तो ये ऊपर छत पे चले गए थे खुली फिज़ा में, इधर बैठ के इंजॉय वगैरह करने लग गए इनकी जो फीमेल्स वगैरह है। तो जी, खाने की तैयारियां हो रही हैं, देखें सलाद मैनेज हो रहा है, तो इधर खाना जो है वो बन गया है। तो खाना बनाते वक्त खाना बन गया हुआ है, राइस वगैरह बन गए हैं, ये हमने हॉट पॉट में मैनेज वगैरह कर दिए हैं। तो अभी खाना लगाने लगे हैं हम मेहमानों के लिए, ये देखें ये भी राइस बन गए हैं, मटर वाले राइस बनाए हैं, चिकन वगैरह बनाए हैं। तो आपके साथ खाना वगैरह आपके साथ दिखाएंगे। तो कैसे, अब मैं ये रायता बनाने लगी हूँ, दही मैंने ले लिया है, तो इसमें मैं कुकम्बर वगैरह डाल के ना तो रायता बनाऊँगी। इधर जो बच्चे सलाद मैनेज कर रहे हैं तो कार्ट मैंने दी है, तो अब ये सलाद वगैरह तो अब टेबल वगैरह लगा के मेहमानों को भी नीचे बुलाएंगे, तो खाने खाने के लिए नीचे बना ला लेंगे अभी फिलहाल। तो जी, गेस्ट के लिए खाना हमारा बन रहा है, चिकन वगैरह राइस वगैरह मैंने बना लिया, अब मैं बना रही हूँ आलू के कटलेट्स। तो ये मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ रेसिपी वगैरह, इसकी मैं बाद में फारक टाइम मिक्स में आपके साथ शेयर करूँगी। इधर मैं ये आलू के कटलेट्स फ्राई कर रही हूँ, बाकी चीज़ें जो है वो रेडी हो चुकी हुई हैं, तो खाना जो है वो रेडी कर रहे हैं, तो मेहमान जो है वो ऊपर आराम कर रहे हैं। तो खाना फिर जब खाएंगे तो आपके साथ करेंगे शेयर। तैयार हो चुका है मेहमानों के लिए, ये देखें ये चिकन बनाया है, चिकन कौरमा बनाया है, ये देखें ये चिकन कौरमा बनाया है, और साथ में मटर वाले राइस बनाए हैं, ये रोटी और नान,
ये सलाद है, ये आलू के कटहल्स बनाए हैं, साथ में रायता, रायता लिखे ऊपर करके लगाओ। अब्बू जा राजा तो जी अब टेबल वगैरह लग चुकी है, तो अब हम मेहमानों को नीचे बुला रहे हैं ताकि वो नीचे आके बैठ के खाना खाएं। तो इधर जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो हमने ये क्लिप ले लिया, चेहरे वगैरह किसी के दिखाए नहीं क्योंकि हर इंसान की प्राइवेसी होती है, हमने पूछा नहीं था क्योंकि किसी को बुरा ना लग जाए कि हमें जी वीडियो में क्यों डाला। तो ऐसे बहुत से इश्यूज़ हो जाते हैं फैमिलीज़ वगैरह में, तो फिर हमने मुनासिब नहीं समझा, तो ऐसे हमने क्लिप ले लिया उतरते हुए। अब ये जो है सारे मिलके जो है बैठ के खाना खाने लगे हैं, तो मैं बच्चों को साइड पे दूसरे कमरे में ले गई थी, उधर मैंने बच्चों के साथ खाना जो है वो हम इंजॉय करने लग गए क्योंकि पास जो बैठना मुनासिब नहीं था। हाँ वक्फे वक्फे से पूछ लेते थे कि कोई चीज़ चाहिए तो नहीं, क्योंकि ऐसे जो है आउट फैमिली में अगर हम भी जाएँ तो शर्मा जाते हैं खाते हुए। तो हमारा मकसद ये था कि अच्छे से जो है खाना वगैरह खाएँ पेट भर के, क्योंकि पास बैठे हों तो फिर कुछ बुरा भी लगता है।